आज की ताजा खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे इंदौर पुलिस और साइबर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में पंजाब नेशनल बैंक की लूट का पर्दाफाश किया। दिनांक 16 जुलाई 2024 को शाम करीबन 4:30 बजे इंदौर के विजयनगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में एक अज्ञात व्यक्ति ने रेनकोट पहनकर और चेहरे पर नकाब लगाकर बैंक में घुसकर आतंक मचा दिया। उसने अपनी राइफल से फायर कर बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को डराया और कैशियर से 6,64,000 रुपए अपने साथ लाए हुए बैग में भरवाए। यह पूरी घटना मात्र 4 मिनट में घटित हुई और आरोपी हरे रंग की मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। इस घटना के बाद बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना किया। DCP जोन 2 अभिनव विश्वकर्मा ने 2 टीमों रवाना की और इंदौर पुलिस और साइबर पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की। आरोपी की पहचान अरुण कुमार सिंह के रूप में हुई, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के नया गांव अलीगंज का निवासी है और भूतपूर्व सैनिक है। पुलिस ने मात्र 12 घंटे के अंदर इस मामले का पर्दाफाश कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। DCP अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि यह एक सुनियोजित लूट थी, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई और कुशलता के कारण आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया गया। DCP अभिनव विश्वकर्मा, हमारी टीम ने तेजी से काम किया और 12 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह हमारी पुलिस की तत्परता और कुशलता का परिणाम है। इस तरह इंदौर पुलिस और साइबर पुलिस ने मिलकर एक बड़ी लूट का पर्दाफाश किया और अपराधियों को कानून के शिकंजे में लिया। इस तरह की त्वरित और कुशल कार्रवाई की जनता का विश्वास पुलिस पर और मजबूत होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल शाम को लगभग 4:41 पर पंजाब नेशनल बैंक, जो स्कीम नंबर 54 में स्थित है, वहाँ एक अपराधी अंदर घुसा जिसके हाथ में बंदूक थी और उसने वहाँ एक फायर करके और बैंक कर्मचारियों को डराकर और एक बैग में पैसे भर कर वो निकल गया। बाद में जब इस राशि को हम लोगों ने काउंट कराया तो लगभग 6,64,000 के आसपास वो राशि थी। घटना बहुत ही गंभीर प्रकृति की दिखाई देती थी और उसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीमें अपने काम में लगाई गई। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने अपराधी आइडेंटिफाई कर लिया है। अपराधी के पास से काफ़ी सामान हमारे पास जब्त हो गया उसके घर से और अपराधी के पीछे हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। कैसे ये सब चीज़ें हुई वो मैं थोड़ा आपके सामने खुलासा करना चाहूँगा कि कैसे हम लोग इस अपराधी के पास तक पहुँचे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कल भी जो मैसेजेस थे उसमें हम लोगों ने ये बताया था कि ये आदमी कोई सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है। इसके पीछे जो कारण हमें समझ में आते थे वो जो CCTV फुटेज, आप सभी लोगों ने भी वो फुटेजेस देखे होंगे, उसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कारण समझ में आया वो ये था कि जो बंदूक दिखाई देती थी वो लाइसेंसी बंदूक थी। तो ये बात स्पष्ट होती थी कि लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल कोई सिक्योरिटी गार्ड ही कर सकता है। तो पहली चीज तो ये थी कि जिससे हमें ये समझ में आया। एक दूसरी चीज जो हमें कैमरे में दिखाई दी वो ये थी कि एक राउंड उसकी जेब से नीचे गिरा और वो राउंड उसने उठा के अपने पास रखा। अमूमन गिरे राउंड को उठाने की जो ट्रेनिंग है वो पुलिस कर्मचारियों को या आर्मी के कर्मचारियों को दी जाती है। इस बात से हमें ये समझ में आया कि नॉर्मली अपराधी इस तरह की घटनाएं नहीं करते हैं। अगर किसी कारतूस को कोई उठाने की कार्रवाई कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं पुलिस या आर्मी का बैकग्राउंड इसमें शामिल होना चाहिए। तीसरी चीज हमें तब कंफर्म हुई कि ये कोई सिक्योरिटी गार्ड ही है जब हमें ये समझ में आया कि इसमें अपराधी सिर्फ एक ही है। पहले हमें ये लगता था कि एक व्यक्ति जो उसके बाहर खड़ा है उस पर हमें बहुत शंका इस बात की हुई कि वो जब घटना हो रही थी अंदर उसी समय वो शटर से अंदर दाखिल होने का प्रयास करते हैं और इसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाने में उनका ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई अलार्म रेज नहीं किया था, कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचाया। तो हमें लगा कि ये अपराधी के साथी हैं और बाद में वो अपराधी की ओर ही मोटरसाइकिल में भाग कर निकलते हैं। तो इससे हमें ऐसा लगा कि वो अपराधी के साथी हैं और वो ही उसके पीछे गए हैं। पर बाद में जब हमारी जांच हुई और उनको हमने पहचाना और उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो ये पता चला कि वो अपराधी के साथी नहीं है बल्कि बैंक में किसी काम से आए थे और जब उन्होंने ये घटनाक्रम देखा तो डर गए। बाद में उन्हें थोड़ी सी हिम्मत और साहस हुई तो उन्होंने बैंक के पियून को साथ में बिठाया और उन्हें पीछा करने की कोशिश की अपराधियों का।
तो ये घटनाक्रम जब हमें समझ में आया कि इकलौता अपराधी है, तो ये साफ इंडिकेट करता था कि कोई ऐसा आदमी जो बैंक में ड्यूटी कर चुका है, जो किसी आर्मी के बैकग्राउंड का है, वही इस घटना में कहीं ना कहीं शामिल होगा। अब इस घटनाक्रम को सॉल्व करने के लिए हमारी टीमें चार तरह से काम कर रही थी। पहला जो हम अमूमन करते हैं कि हमारी एक पूरी टीम सीसीटीवी की ओर, सीसीटीवी फुटेजेस की ओर लगातार देख रही थी। वहीं दूसरी टीम हमारी हमने लगाई कि जितने सिक्योरिटी गार्ड्स का हमारे पास रिकॉर्ड है उसके बारे में भी हम लोगों ने जांच करना शुरू की, और खास तौर से उस इलाके के आसपास के जो इलाके हैं वहां रहने वाले कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इसके बारे में भी हमारी जांच शुरू हुई। तीसरी टीम हमारी आर्म्स लाइसेंस जो थे उनके बारे में, चूंकि ये लाइसेंस शुदा वेपन दिखाई देता था, उसके लिए भी हमारी एक टीम लगी। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण टीम थी जो हमारी नाकाबंदी के लिए लगातार हमारी टीमें लगी थी, जिसमें हमने उज्जैन रोड, देवास रोड, खंडवा रोड, धार रोड, इन सभी रोडों पर अपनी नाकाबंदी की टीमें लगाई हुई थी। जब सारी नाकाबंदी की टीमों से हमें रात 8 बजे तक ये खबर मिली कि इस तरह का कोई व्यक्ति क्रॉस नहीं किया है, तो हमें इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति इंदौर का ही, अर्थात अब हमें इंदौर और इंदौर के ही इलाके में अपने टीमों को कॉन्सेंट्रेट करना है। हालांकि यह भी संभावना थी कि कपड़े बदलकर कोई आदमी निकल सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये मजबूती से ये एहसास था कि ये इंदौर में ही है। मैं हमारी पूरी टीम जिसको लीड श्री अभिनय विश्वकर्मा जो हमारे जोन 2 DCP हैं, आपकी कड़ी मेहनत और आपकी पूरी टीम की कड़ी मेहनत, जिसमें अमरेंद्र सिंह आपके साथ 2IC विजयनगर गौतम, इसके अलावा TI लसूड़िया श्री तारेश सोनी, कृष्ण लाल चंदानी ACP, आप सभी लगातार पूरी रात लगे रहे और मुझे लगता है कि लगभग 1000 के आसपास कैमरे आप लोगों ने खंगाले, और एक एक कैमरे से एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि इनका उत्साह इसलिए बढ़ता गया कि इन्हें एक एक कैमरे से रूट कुछ कुछ क्लियर होता गया। कभी वो न्याय नगर पे दिखाई दिया, फिर आगे उन्हें हीरा नगर के आसपास दिखाई दिया, पूरा रूट आपको एक बार DCP अपने बहुत अच्छी तरह बता पाएंगे। जैसे जैसे रूट क्लियर होता जा रहा था वैसे वैसे हमारी टीम लगातार उसमें मेहनत करती जा रही थी, पूरी रात टीम ने मेहनत की है। मुझे लगता है कि हमारी 15 से अधिक टीमें लगातार CCTV कैमरों को खंगालने में लगी थी। क्राइम की भी हमारी पूरी टीम जिसमें राजेश दंडोतिया और उनके पूरे टीम के सदस्य लगातार लगे थे। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का भी काम हमारा जारी था जो हम हमेशा करते हैं। इसमें जो टीम है वो लगातार उनको जब ये रूट मिलता गया तो एक जगह इनको कैमरे में चेहरा भी दिखाई दिया। आपने देखा होगा कि वो बीच में मास्क लगाए थे, बाद में एक जगह कैमरे में चेहरा भी दिखाई दे गया और गाड़ी का कलर भी इन्हें बहुत क्लियर हो गया कि गाड़ी ग्रीन रंग की है। अब इनके पास ये टास्क था कि ग्रीन रंग की गाड़ी उस इलाके में कहाँ पार्क्ड है, तो एक पूरी तैयारी इन लोगों ने कॉम्बिंग गश्त टाइप की, जिसमें कि पूरी टीम ने उस इलाके में कोई गाड़ी तो पार्क्ड नहीं है, और पुलिस इस मामले में थोड़ी सौभाग्यशाली रही कि एक घर के बाहर उन्हें वही गाड़ी पार्क की हुई, जिस इलाके के पास का कैमरा इन्हें देखने के लिए मिला था उसके पास इन्हें वो गाड़ी खड़ी दिखाई थी। और इसके बाद हमारी कार्रवाई आगे बढ़ी है।